earlier we were talking about competition, but now we are talking about cutthroat competition. Cutthroat competition, gala cut competition. Now इस जो प्रतिस्पर्धा है, गले काट की जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा में what is happening that हाँ दीक्षा 2000 रुपये दे दो उसको निशा को. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कटथ्रोट कॉम्पिटिशन मैनेजमेंट हैज टू बी वेरी एक्टिव फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड दे हैव टू डिसाइड वेरी फास्ट. They have to act very fast and they have to decide very fast. Now you see, देखिए Reliance Jio का इतना सारा सस्ता प्लान आ गया है, तो how the Vodafone and Airtel is behaving? So they are taking decision very fast. उसने वो लॉन्च किया तुरंत, उसका कट लॉन्च, ये वो, मतलब they are just countering each other. क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट कैन नॉट स्लीप ऑन द इशू. अब देखिए मैनेजमेंट, जो लोग भी आपके घर में मैनेजमेंट देख रहे हैं, मदर फादर, क्या काम है मैनेजमेंट का एक्चुअली, व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग, व्हाट इज द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट इज. So they have to decide very fast. So what the management does in the industry? It does only two works. One, decision making. And second, controlling technique. Okay. So it works only, it take only two decisions. One is decision making. Second is controlling technique. Management का काम देखिए operational नहीं है, day to day काम नहीं करेगा. घर में मदर हैं, वो मैनेज करती हैं, तो वो डे टू डे काम नहीं करेंगी. उनका काम है देखना नौकरानी ने क्या काम किया, कितने बजे आए, कितने बजे गए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. वो दिन भर डे टू डे वर्क में लगेंगे तो मेन काम हो नहीं पाएगा और फिर फाइनल डिसीजन लेना. सो इंडस्ट्री के अंदर भी मैनेजमेंट को डे टू डे एक्टिविटी नहीं करनी है. इफ़ समबडी इज़ ए सीनियर मैनेजर और मैनेजर इन बिग बाजार, they did not sell the product daily basis, so they have to do two jobs. One, decision making. They have to decide, they have to act very fast on each and everything, what is happening in the market, what your competitor is doing. And second is controlling technique. How you are going to control? So देखो आपके पास सिलेबस में दो चैप्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है. पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. और कंट्रोलिंग टेक्निक दो है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा है बजटरी कंट्रोल. तो यहां पर आपके सिलेबस में मेनली चार ही चैप्टर हैं. पहला चैप्टर थ्योरी का है. इस सिलेबस में चैप्टर बड़े बड़े हैं,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर छोटे छोटे, यहाँ चैप्टर बड़े बड़े, बट चार ही मेन चैप्टर हैं और दो छोटे चैप्टर हैं, एक बेसिक का, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और एक है बेसिक। ओके ठीक है, सो विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, 7 बजे आना चाहिए फिकर। विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? What do you understand the meaning of marginal costing? क्या समझते हैं marginal costing का मतलब? What do you understand the meaning of marginal costing? तो ये देखिए एक decision making tool है और ये जो tool है ये बनाया गया है on the basis of ये टूल बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, टेल मी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगा, तो एक यूनिट के चेंज होने से जो कॉस्ट में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब जैसा डेफिनेशन दिया गया उसके हिसाब से ये जो वेरी कर रहा है वो कौन है? बोले वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। बोले क्यों मार्जिनल कॉस्टिंग डेवलप किया? तो देखिए ट्रेडिशनल जो कॉस्टिंग है ना, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है, लिख लीजिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट।
अब देखो भैया फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकाल रहे हो, देखिए ना ये कैसे निकाल रहे हो। सो देयर इज ए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 लाख है डिवाइडेड बाय 1 लाख 5 रुपया पर यूनिट, मान लो यू दिस यू मेक इट 5। सो आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 10 रुपीज पर यूनिट हो गया। सो ये टोटल कॉस्ट आपका 10 रुपीज पर यूनिट हो गया। सो फिक्स कॉस्ट 5 रुपया हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 5 हो गया, टोटल कॉस्ट आपका 10 रुपीज पर यूनिट हो गया। लाला जी को आपने बता दिया कि देखो जी लाला जी 5 रुपया प्रॉफिट लेना है, तो हमारा सेल प्राइस कितना हो गया 15 रुपीज पर यूनिट, ये आपने लाला जी को बता दिया। अब लाला जी के पास क्या हुआ, 1 लाख यूनिट का ऑर्डर आ रहा है एडिशनल, वो कह रहे जी हमें प्राइस बताओ। बोली जी देखो जी 15 तो नॉर्मल बेचते हैं, आपको 13 दे देंगे, 14 दे देंगे, 12 दे देंगे। बोले और कम और कम। बोले नहीं नहीं 12 से कम क्या होगा, 10 तो मेरा टोटल कॉस्ट ही। लेकिन लाला जी ध्यान नहीं दिया, 1 लाख तो आप बेच ही रहे थे, आपके पास 1 लाख का ऑर्डर और आ गया है? तो क्या हो गया 2.5 रुपये पर यूनिट हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 5 रुपये पर यूनिट। अब ये प्रोडक्शन ऊपर नीचे होगा, फिक्स कॉस्ट बदलता रहेगा, कितनी बार बदलते रहे, ना बदले तो ऑर्डर लॉस्ट होने का चांस है। लेकिन अगर हम डायनामिक सोचें तो इससे भी एडवांस बातें हो रही हैं। क्या हो रही है भाई, रेगुलर प्रोडक्शन में तो मैंने ये पूरी रिकवरी कर ली ना, तो अगर मेरे को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर आ रहा है 1 लाख यूनिट का एक ही बार आ रहा है, बोले नहीं आपको कुछ नहीं करना है, कोई मार्केटिंग का खर्चा नहीं, कोई दिस दैट नहीं, बस बना के हमें दे देना है, हम गिफ्ट बांटने वाले हैं या हम जापान ले जाने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आपकी तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, यानी सही में तो आपका ओनली वेरिएबल कॉस्ट। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है यूनिट बढ़ना घटना, बार बार फिक्स कॉस्ट को चेंज करना, वो करना ये करना, मतलब यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट माई डियर टू रिकैलकुलेट एवरी टाइम। इसलिए आपने बोला कि नहीं भैया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अलग कर दो और टोटल फिक्स कॉस्ट को अलग रखो और इसको पीरियड कॉस्ट मानो। आ जाओ बेटा, दिस यू कंसीडर एज ए पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मींस टाइम कॉस्ट, कि हमने 5 लाख रुपए 1 साल में देना है भैया, बार बार इसको कैलकुलेट करने का झंझट झमेला खत्म, और सारे डिसीजन हम किसके बेस पे लेंगे भैया, वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे लेंगे। तो यही मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल डेवलप किया गया। तो इसमें देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, देयर विल बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस देयर विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड वी हैव गॉट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड देयर विल बी पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। सो सेलिंग प्राइस इज 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 5, कंट्रीब्यूशन इज 5, सो वी गट 5/10 × 100 दैट इज 50%। वॉट इज पी वी रेशियो, प्रॉफिट इज नथिंग बट इट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मीन्स पी वी रेशियो इज वॉट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सो वॉट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स वी आर हैविंग, दैट इज कॉल्ड पी वी रेशियो। सो आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द टोटल कंट्रीब्यूशन। If you are going to sell 2 lakh units at the rate of 5, your total contribution will be 10 lakh and minus
योर टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज योर 5 लाख. सो हाउ मच यू गॉट द नेट प्रॉफिट? सो यू गॉट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज. ओके, सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इन द मार्जिनल कॉस्टिंग. सो हेयर दे विल सजेस्ट यू लॉट ऑफ फॉर्मूला फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग फॉर कैलकुलेशन. सो फर्स्ट इज योर पीवी रेशियो. पीवी रेशियो फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 100. सेकेंड इज गोइंग टू बी योर पीवी रेशियो. ऊपर आना. टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. थर्ड विल बी योर पीवी रेशियो. चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. फोर्थ विल बी योर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. देन विल बी योर पानी वानी बिल्कुल खत्म हो गया है, थोड़ा गर्म करके कब डालो उसमें ग्लूकोज है वो डालो. पीवी रेशियो फिफ्थ फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट सेल इनटू 100. देखा आपने? ये लिखिए फॉर्मूला, 5 फॉर्मूलाज. तुम्हारा तो ये सब हो गया था फॉर्मूलाज वगैरह, ग्राफ तक हो गए. ग्राफ हो गया था, ठीक. क्वेश्चंस वगैरह ग्राफ के क्वेश्चन. इसमें वो बचा हुआ उसमें ग्लूकोज है वो इसमें डालो. कहाँ से लाया पानी? भरा हुआ रखा था सुबह. हो गया लिख लिया आपने? ब्रेक इवन सेल्स बीपी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स द लास्ट 6 पॉइंट राइट डाउन. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करो यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है. चार घंटा लैपटॉप के आगे मत करो, उधर करो. चलो प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इन 200. नाउ आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट्स. व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? सेल्स लेवल एट विच वी आर
हैविंग नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. सो सेल्स लेवल एट विच वी आर हैविंग नो प्रॉफिट और नो लॉस. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, योर फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. एंड इफ यू आर हैविंग, दिस इज द टोटल सेल्स, दिस इज द टोटल सेल्स एंड दिस इज यू आर हैविंग इज योर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, देन दिस विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. मीन्स वेयर यू आर गोइंग टू हैव द प्रॉफिट. ओके, यहां तक तो आपने नो प्रॉफिट नो लॉस किया, तो इसके आगे क्या होगा? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा. सो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन रुपीज विल बी योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. And margin of safety sale in units, profit by contribution per unit. ठीक है. ओके, नाउ देयर इज बिल विद द लास्ट फॉर्मूला. ऑलवेज वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एनीथिंग, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इन रुपीज, यू मस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. एनीथिंग यू वॉन्ट टू वॉन्ट इन यूनिट्स, यू मस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. Then there will be target sales to earn target profit. This will be your fixed cost plus target profit. And if you want in rupees, it should be divided by PV ratio, and if you want in units, then it must be fixed cost plus target profit divided by contribution per unit. This target sale is also known as desired sale. Now you see, here we have a system of using gimmicks of formula. Lot of different kind of formula we would be using it, like
If you say sales minus variable cost is equal to contribution, if you say contribution is equal to fixed cost plus profit, sales minus variable cost, fixed cost plus profit, sales is equal to variable cost plus fixed cost plus profit. If you say PV ratio is equal to contribution upon sale into 100, sale minus variable cost upon sales into 100, sale upon sale, variable cost upon sale into 100, 1 minus variable cost upon sale into 100, this is what is the PV ratio. Okay, this is what is the PV ratio. हाँ मतलब हम इसको कर सकते हैं ना, तोड़ मरोड़ के हो गया ना ये. उसी तरीके से जो आपका टोटल सेल्स इन रुपीस होगा दैट विल बी बीपी सेल्स इन रुपीस प्लस